हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं इस टाइम जूबा साउथ सूडान के अंदर, और इस टाइम बज चुके हैं कोई 11, और गर्मी इस टाइम 30 डिग्रीज। आजकल बारिशों का दौर है, मगर बारिश आजकल है नहीं। सामने जा रही है एम्बेसी की गाड़ी सीडी नंबर, और मेरे बाएं साइड में है एयरपोर्ट का एरिया, और हम अब निकल रहे हैं। आज संडे है, और आज आपको लेके जाता हूँ मैं एक नई जगह के ऊपर। हम भी वहाँ पे नहीं गए, फर्स्ट टाइम है, और देखते हैं कैसी वो जगह है, और आपको भी दिखाते हैं। सो बने रहिए लास्ट तक, और दिखाते हैं आपको नई जगह आज की जूबा साउथ सूडान के अंदर। सो ऐसा कुछ नज़ारा है हमारी रोड का जहाँ से हम जा रहे हैं। ये लेफ्ट साइड में आप लंबे लंबे पेड़ देख रहे हैं, अशोका ट्री के तरह हैं, और ये सब NGOs वगैरह का एरिया है। यहाँ पे अंदर यूनिसेफ वगैरह का काफ़ी बड़ा वो है, ऑफिस वगैरह इनके। और ऐसी कुछ हमारी सड़कें हैं जूबा की। आज इतना ट्रैफिक नहीं है संडे की वजह से, बिकॉज काफ़ी लोग अपना चर्च वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ कई कई घंटे बैठे रहते हैं, तो सड़कों पे इतनी ज़्यादा रौनक होती नहीं जनरली। सामने बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं वो होटल्स हैं, एक रेडिसन होटल है और एक पिरामिड होटल है। यहाँ पे कार्स की वॉशिंग वगैरह का काम चलता रहता है रोड साइड्स में, और ये केले वगैरह बेच रहे हैं। और ये देखिए चर्च में कितनी भीड़ है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं, काफ़ी बड़ा चर्च है एक्चुअली ये। सो दोस्तों, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं ब्रिज के ऊपर, ये इसको बोलते हैं जूबा ब्रिज, ये पुराना ब्रिज है जूबा ब्रिज। और ये देखिए बढ़िया रिवर नाइल का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। आज हम इसको क्रॉस करने वाले हैं, और जहां हम जा रहे हैं वो एक नई लोकेशन के ऊपर। सो ये सब रिवर नाइल का देखिए, बहुत ही सुंदर। और ये जो ब्रिज है इसको कई साल हो गए हैं एक्चुअली, मेरा ख्याल से। तो विनु, कितने टाइम हो गया इसको? ये तो जब से इनके साथ कनेक्शन हुआ था, हाँ, युगांडा और इनका, हाँ, सालों पुराना है, बहुत साल हो गया ना, अभी भी चल रहा है, 50 साल से ऊपर का होगा। सो अभी हम क्रॉस करते हैं। ये सड़क एक्चुअली युगांडा भी जाती है, जिसमें हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, पर हमने यहाँ से भी लेफ्ट मुड़ जाना है। रिवर के साइड साइड से कोई रास्ता जाता है वहाँ पे, तो देखते हैं उस लोकेशन को। हमारे राइट साइड में जो है ये झोपड़पट्टी हमारी यहाँ की, सड़क के बहुत ही बुरे हाल हैं। ये देखिए हालत बहुत खराब है सड़क की, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, ये सब युगांडा से आते हैं, कोई युगांडा से कोई कीनिया से। सो ऐसा कुछ रास्ता है दोस्तों जहाँ से हम जा रहे हैं। अभी देखिए पूरा जंगल का एरिया है, और अब ये कहाँ जाके लेके जाएगा हमारे को अभी पता नहीं है, जैसे जैसे आगे चलेंगे तभी पता कुछ लगेगा। सामने तो पूरा जंगल ही है यार, सही जगह भी जा रहे हैं हम लोग ऐसे ही, पता लगे आगे कुछ मिला ही नहीं। एक्चुअली यहाँ पे गांव वगैरह है आगे जाके ना, एक्चुअली रिवर के दोनों साइड में, तो गांव वाले तो रहते हैं इस साइड, मगर यहाँ पे कहीं रिजॉर्ट का रास्ता कहाँ से होएगा। चलिए चलो, चलिए चलो, देखते हैं कहीं तो जाके निकलेगा। पर है बड़ा अच्छा सा, बिल्कुल ग्रीन एकदम है, शांत, और पूरा जंगल चारों साइड, क्या बात है। तो जूबा में ऐसी भी जगह है दोस्तों, देख लो, हम भी पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं जूबा में, इतने टाइम रहने के बाद भी लग रहा है किसी अच्छी सी जगह, ग्रीन एरिया में कहीं जा रहे हैं। सो दोस्तों, ऐसी कुछ जगह है यहाँ पे जहाँ हम आए हैं। एक्चुअली अभी ये बना नहीं है, मगर हमने सोचा था कि बन गया, बिकॉज उधर से हम जब देखते थे इसको तो ऐसा लगता है कि शायद तैयार हो गया है, मगर अभी से अभी भी इसका काम चल ही रहा है। पर रिजॉर्ट बहुत अच्छा बनाया हुआ है, इससे लगता नहीं है कि जूबा के अंदर ऐसे बढ़िया रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं इन्होंने। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े वो चीज़ की हुई हैं। जब ये बन जाएगा फाइनली, तब तो आने का अपना ही अपना नया मज़ा आएगा यहाँ पे, है कि नहीं। काफ़ी खुली डुली जगह है एक्चुअली रिवर नाइल के नज़दीक में। ये देखिए हट्स वगैरह बन रही हैं, कितनी सारी हट्स बना दी इन्होंने, बहुत ही शानदार चीज़ बन रही है एक्चुअली। जैसे 5-स्टार रिजॉर्ट्स नहीं होते हैं इंडिया के अंदर, वैसा कुछ सिनेरियो है। काम अभी चल ही रहा है एक्चुअली, हम तो वैसे ही आ गए थे देखने के लिए,
चलो एक राउंड तो लगा के आए कम से कम। चलो देखते हैं रिवर नाइल के नज़दीक में जाके कैसा लगता है। सो दोस्तों ये है रिवर नाइल, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और वो है सामने डाविंसी, जहाँ पे हम लोग जनरली बैठते हैं, वो देखिए ऐसा सुंदर नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है। और सामने है जुबा ब्रिज, जहाँ से अभी हम क्रॉस करके आए हैं। और ये है अपनी प्यारी सी रिवर नाइल, बहुत ही बढ़िया। और ये रिजॉर्ट एक्चुअली हम लोग देखते थे वहाँ से, तो हमारा आज आने का दिल किया है यहाँ पे। मैं कहा चलो देखते हैं कि बन गया है कि नहीं बन गया है, मगर अभी भी इसका काम चल ही रहा है। पर लोकेशन बहुत ही प्यारी है, ये देखिए काफ़ी सारे हट्स वगैरह बना रहे हैं, बार वगैरह बन रहा है, गार्डनिंग बड़ी अच्छी कर रखी है। जब ये पूरा बन जाएगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, क्यों विनू? जब जब तैयार हो जाएगा तब मज़ा आएगा यहाँ पे आने का, नज़ारा ही कुछ और होएगा यहाँ पे। हैं अंडरग्राउंड कुछ पानी पुनी का सिस्टम है? तो पानी के, वाटर का। हाँ हाँ ओके, तो अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे। और देखिए आम के पेड़ कैसे नज़र आ रहे हैं आपको चारों साइड में, और सामने पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं हमारे छोटे मोटे। सो ऐसा कुछ व्यू था जहाँ पे आज हम लोग आए। चलो कोई बात नहीं, जब ये बन जाएगा तब आपको अच्छे से इसका विजिट कराएंगे। अभी चलते हैं अपनी लोकेशन दूसरी के ऊपर, जहाँ पे बैठेंगे थोड़ी बहुत देर, चिल करेंगे, आज संडे है। चलिए ठीक है। गार्डनिंग वगैरह बड़ी अच्छी की है इन्होंने यहाँ पे, पूरा वेल प्लान्ड तरीके से सारा कुछ बना रहे हैं। और बीच में मेरे को लगता है फाउंटेन वगैरह का भी कुछ अरेंजमेंट है। सो इट्स ए गुड लोकेशन दोस्तों, जुबा के अंदर भी देखिए ऐसी ऐसी लोकेशंस बन रही हैं अभी। तो जुबा इज डेवलपिंग वेरी फास्ट, वेरी गुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स दे आर कमिंग अप। बढ़िया बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं, खजूर वगैरह के, आम के पेड़ तो हर जगह है ही है। और ये कुछ पीपल का पेड़ लग रहा है, बट पीपल का पेड़ है नहीं, पीपल का तो पेड़ नहीं है ना, ये पीपल की तरह लग रहा है पर पीपल का नहीं है। ये बढ़िया सा एक इन्होंने कैफे बनाया, देखिए अरेंजमेंट तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया किया है, शानदार बनाई चीज़ है ना, नंबर वन यार, नंबर वन, वाओ क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वाओ वेरी नाइस। और ये एक डेडिकेटेड सा बार बन रहा है अभी। ललित भाई आपके लिए जगह तैयार हो रही है आपके वाइन्स वगैरह के लिए, हैं? टाइम भी लगेगा, तो चलो कोई बात नहीं, एक नया नई लोकेशन तो आ रही है, फ्यूचर इज ब्राइट। वाह पेड़ के नीचे इन्होंने बैठने का भी बहुत बढ़िया बनाया है यार, भाई बड़ी सोच समझ के बनाया हुआ है इन्होंने सारा कुछ, है प्लानिंग बहुत बढ़िया है यार। चलो एक विजिट होगी, अच्छे से पता तो लग गया, नहीं तो हम लोग सोचते रहते थे वहाँ बैठ के कि पता नहीं क्या चीज़ है वहाँ पे। आज क्लियर हो गया कि आने वाले टाइम में एक अच्छी जगह मिलेगी बैठने की हमारे को। सो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं रिवर के इस साइड में, अभी हम वहाँ पे थे, देखिए वो सामने जो जगह दिख रही है आपको, अभी हम कुछ देर पहले वहाँ पे थे और अब हम आ गए हैं उसके दूसरी साइड में, रिवर नाइल के अपोजिट। अभी हम वहाँ से आए हैं, देखिए सामने जगह नज़र आ रही है आपको, यस अभी हम वहाँ से आए हैं और अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे डाविंसी लॉज में, जहाँ पे हम लोग जनरली आते हैं संडेज को। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ से, बोट्स वगैरह होती हैं यहाँ पे इनकी खड़ी हुई, और रिवर नाइल है सामने, बहुत ही बढ़िया जगह है ये। विनू कैसा है, ठीक है सब? चलो बढ़िया है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम निकलते हैं घर की तरफ। और आज का प्रोग्राम ऐसा था, थोड़ा बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, नई जगह भी दिखाई आप लोगों को, कोशिश करेंगे अगली बार आपको और कुछ दिखाएं। सो मिलते हैं जल्दी ही आपको एक अगले ब्लॉग के अंदर। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।